दोस्तों नमस्कार, आर3एक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ समय कोकनी गांव में और यहाँ से ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार है आबिद जी, हम उनसे बात करते हैं। आबिद जी, पहले तो अपना पूरा परिचय बताइए आप। भाई, मैं मोहम्मद आबिद राठौर, गाँव खोकनी से प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ जी। इससे पहले भी आपने कोई इलेक्शन लड़ा कि पहला इलेक्शन? नहीं जी, पहला इलेक्शन है। पहला इलेक्शन है सर। आप ये इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? बस मकसद यही है जी, सुविधा कराने है गांव में, जैसे इंटर कॉलेज में है जी, और बहुत काम है हमारे गांव में। जो मतलब हर कोई कोई प्रधान होता है तो मतलब कोई व्यवस्था नहीं होती जी। तो इससे पहले प्रधान ने कुछ काम नहीं करा? काम कराए हैं, बाकी जो मेन काम है वे नहीं कराए जी। जैसे आप क्या क्या कराना चाहते हैं, मतलब आपका क्या वादा है जनता के साथ? जनता के साथ ये है, इंटर कॉलेज बनवाना है और जो कच्ची सड़कें उन्हें पक्के कराना है जी। पानी की टंकी की सुविधा करानी है जी। मेडिकल की क्या सुविधा है यहाँ पर, डिस्पेंसरी वगैरह कुछ? मेडिकल का तो अभी जैसे गांव छोटा है जी, और पास में सरकारी स्कूल पड़ता है। कहाँ पर? अलीपुर में। अच्छा, वहाँ जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम होती है? जैसे ये केजरीवाल जी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक शुरू करा रखे हैं, ठीक है, क्या आपकी भी सोच है कि हर गांव में एक मोहल्ला क्लिनिक तो होना चाहिए? हाँ जी, वो भी सोच रखा है। बाकी देखो, इमरजेंसी में यहाँ से कैसे जाएंगे वहाँ पर, उसकी सुविधा भी कराएंगे। हाँ, ये सबसे अच्छा। हाँ, ये सुविधा भी कराएंगे, ठीक है। तो अभी पानी का नहीं है इतने यहाँ पर, तो वो उसका आपने सोचा? उसमें स्कूल वगैरह, सरकारी स्कूल है कोई इधर? स्कूल है, प्राइमरी है, पानी तक है। तो कैसी व्यवस्था है उसकी अभी? अभी तो ठीक है, बस तो आप उसे और बेटर कराएंगे, पॉलिश बनाएंगे। ठीक ठीक, तो एक बार पूरा बता दीजिए। एक तो आप सड़कें कराएंगे यहाँ की, और जो इंटर कॉलेज कराएंगे उसको, ठीक है, पानी की सुविधा कराएंगे पूरी यहाँ पर आप, और जो डिस्पेंसरी के भी आप कोशिश कर सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक की तरफ पर, है ना? और कोई वैसा वादा जो आप? अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर, सफाई का अभाव। सफाई का भी कराएंगे, इसका भी संशोधन होगा। बाकी अभी तो चुनाव के बाद ही, मतलब वो उसके बाद ये बात है सब। आप सर, अगर आप जीतते हैं तो 6 महीने बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे हम, और वीडियो को भी दिखाएंगे जिसमें आप बता रहे हैं, ठीक है नहीं? और हमारी दुआ आर3एक न्यूज की तरफ से आपको मुबारक हो, ठीक है, आपकी जीत हो और जो आप कह रहे हैं वो सब हो। तो दोस्तों ये थे आबिद जी, इन्होंने बताया कि ये अगर जीतते हैं तो ये काम करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ, उनसे भी जान लेता हूँ कि उनका यहाँ जो प्रधान पद के उम्मीदवार है, किसके बारे में उनकी क्या सोच है। एक तो आप ये सड़कें देख रहे हैं यहाँ पर आप? जी, ये सड़कें हमें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि हमारे पूर्व प्रधान थे कदीर जी, उन्होंने ये काम, इस सड़क का निर्माण बहुत खराब था, इस बार उन्होंने कुछ कराया है जी। और इस बार हमने आबिद भाई राठौर जो है उनको चुना है, आबिद जी को चुन रहे हैं, आबिद जी को हम चुन रहे हैं। पूरे गांव के जिम्मेदार लोगों का सपोर्ट उनके साथ है, और वो एक नौजवान साथी हैं, तो नई सोच, युवा जोश के साथ हम अपने गांव को लेकर बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो जो वादे उन्होंने किए सब पूरे होंगे? जी, आबिद भाई के वादे पूरे होंगे इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि जनता के एतबार पे हर चीज में खड़े लगा लीजिए। जो आबिद भाई हैं, जनता के लिए हर बात में खड़े उतरते हैं हमेशा से। उनका पहला इलेक्शन है, नई उम्र है, लगभग 25-26 साल की उम्र है, और वादे जब नौजवान युवा किसी से कर लेता है, अखिलेश जी की तरह जो वादे किए उनको निभाएंगे, और आबिद जी को भी। सर, आपका क्या कहना है, आप किसे चुन रहे हैं? आबिद राठौर। आबिद क्यों, मतलब आबिद राठौर क्यों चुन रहे हैं आप? नया लम्डा है, नई उमंग है, बड़ा काम। नहीं, वो उनका है, मतलब वो काम करेंगे आपके गांव के लिए, विकास करेंगे, बड़ा काम, मतलब आप उन्हें चुनना चाह रहे हैं सर आपका? हाँ जी, बिल्कुल। आप भी आबिद जी को ना? चलिए, देखिए आपने यहाँ पर विचार सुने लोगों को, ये कह रहे हैं कि आबिद जी बेस्ट रहेंगे, जो कह रहे हैं वो करेंगे। मैं कैमरामैन मुन्ना जी के साथ आर3एक न्यूज़ से राज, मिलते हैं फिर किसी और के साथ।